हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कॉर्न की करी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, इसे आप चावल रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं कॉर्न की करी। सबसे पहले हम सूखे मसाले भूनेंगे। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, एक छोटी चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच मेथी दाना। इसे हम लगातार चलाते हुए एक मिनट तक भूनेंगे। देखिए, लगातार चलाते हुए हमने इसे भून लिया है, हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 6 से 7 लाल मिर्च भुनेंगे। लाल मिर्च को हम थोड़ी देर भुनेंगे। लाल मिर्च को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। मसाला पीसेंगे। मिक्सी के बर्तन में 2 बड़ा प्याज कटा हुआ डालेंगे, 1 कप ताज़ा नारियल जिसे हमने काट लिया है, 15 से 20 कली लहसुन की, और ये भुना हुआ मसाला। 1/2 कप पानी डालेंगे और फाइन पेस्ट बनाएंगे। मसालों को हमने अच्छे से पीस लिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है। कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है। 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे, 6 से 7 करी पत्ता, 1 प्याज लंबाई में कटा हुआ। प्याज को हम बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज को हमने ब्राउन होने तक पका लिया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, पीसा हुआ पेस्ट डालेंगे, 1 मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। मिक्सी के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी हम इसी में डाल देंगे। मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। ढक कर पकाएंगे। पूरे 6 मिनट तक हमने पका लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कॉर्न डालेंगे। 1 कॉर्न है जिसे हमने इस तरह से काट लिया है। आधा कप कॉर्न अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 से 2 कप पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर करके मीडियम आंच पर 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे। पूरे 15 मिनट तक हमने पका लिया है। मिक्स करेंगे। देखिए, कॉर्न भी हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है। कॉर्न की करी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म परोसेंगे।
लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट कॉर्न करी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।